गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का नेहा आनंद ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ नीचे। मैं अपना सारा काम करूँगी और उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तब तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरे डेली ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे नीचे आ चुकी हूँ और नीचे आने के बाद मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई और सारा सामान जो भी था उसको समेटा और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना पोछा वगैरह लगा के सारा काम ख़त्म करूँगी। तो पहले मैं इस कमरे में लगा लूँगी, उसके बाद मैं किचन वाले कमरे में पोछा लगाने जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे किचन वाले कमरे में भी जल्दी जल्दी से पोछा कर लेती हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को बाहर जाना है जल्दी। हमारा एक नया घर बन रहा है और वहाँ पे आज स्लेप पड़नी है, तो इसलिए मैं फटाफट सारा काम करूँगी और उनके लिए जल्दी से कुछ नाश्ता बना दूँगी। तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और मुझे बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मैंने सारे बर्तन वर्तन धो लिए हैं और इधर बन रही है मेरी चाय। तो अब मैं चाय बना के फटाफट से ऊपर नहाने के लिए जाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आके अपना पूजा वगैरह करूंगी। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे फिर से। तो फ्रेंड्स, दोपहर में मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, तो अभी बच रहे हैं शाम के 5 और मैं यहाँ पे कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे आलू काट लिए हैं शाम के लिए और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। हरी मटर रखी हुई है थोड़ी सी, तो मैं सोच रही हूँ आलू मटर की ही मैं आज सब्ज़ी बना लेती हूँ। और दूसरी तरफ मैं अपना चाय रख दी हूँ बनाने के लिए, तो जैसे ही चाय हो जाती है फिर हम लोग पहले चाय पियेंगे, उसके बाद बाकी का काम मैं बाद में करूँगी क्योंकि अभी मुझे शाम की पूजा भी करनी है। तो मैं फटाफट तैयारी करके जाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही है और लगभग चाय तैयार हो गई है, मैं पीऊँगी इसको। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है चाय और नमकीन और मैं अब पी रही हूँ अपनी चाय। तो मुझे जल्दी जल्दी से चाय ख़त्म करके ऊपर जाना है पूजा के लिए, तो आप भी मेरे साथ ऊपर चलेंगे अभी। तो हम सब चलेंगे अब ऊपर। तो मैं आ गई हूँ ऊपर और अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगी, उसके बाद जो है मैं जाके नहाऊँगी। तो आप यहाँ का मौसम देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है और यहाँ पे अच्छा लगेगा अभी बैठने में, तो मैं थोड़ी देर यहीं पे बैठूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और मैंने नीचे की पूजा कर ली है, अब मैं ऊपर दिया जलाऊंगी तुलसी जी और समी में। और मैंने बेल का भी पेड़ लगाया हुआ है, तो मैंने शिव पुराण में सुना था कि बेल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। तो बाहर रोज़ जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने घर पे ही पेड़ लगा लिया है और मैं भी आपको दिया जलाने के बाद अपने पेड़ दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा बेल का पेड़ जो मैंने लगाया है और ये समी का पेड़ है और उसके बगल में मैंने तुलसी जी का भी पेड़ लगाया है, तो मैं सब में रोज़ दिया जलाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पे शाम की पूजा हो गई है, तो आज का ब्लॉग अब हम यहीं पे एंड करेंगे। तो कल मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल नेहा आनंद ब्लॉग पे और कमेंट करके बताइएगा मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा।